भैया बैठ हो गया, वह गिरना बता। हेलो यूनिकॉर्न्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज मैं टाइसन को अकेले लेके आई हूँ आधे रास्ते, क्योंकि भैया एक जगह ट्रेनिंग करा रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि टाइसन को लेके आ जाओ। अब देखो भैया मुझे मिल भी गए हैं और टाइसन को अपने साथ बाइक में लेके जा रहे हैं, देखते बैठता है कि नहीं। टाइसन आज बाइक पे जाएगा क्या? बैठेगा कैसे ये? चल बेटा पीछा पीछा, कम ऑन, अब 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 आगे बैठना उसने आगे बैठने भैया बैठ हो गया वह गिरना बता, गिरोगे भैया मैं बता रही हूँ। भैया भैया ये जंप करेगा यार देखो बडीज कैसे टाइसन बाइक पे चला गया और मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। ये देखो ये वही कुत्ता है जो हमारे साथ स्कूटी में नहीं बैठता है और बाइक में भी ऐसे बैठा है जैसे से कोई डर ही नहीं लग रहा। वाह वाह टाइसू वाह, अब बाइक भी तो ही चला ले भैया, आपने इसे यहाँ फ्री नहीं करना था। लगा नहीं आपको डर? बिस्किट दो, मैं आपको बिस्किट देने के लिए तो बुला रही थी भैया, पर आप चले गए थे ना उधर। भैया प्लीज, अगर किसने किसी को काटा ना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर इसने किसी को काटा था तो उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे पास क्यों आ रहे हो, उधर जाओ, मैं नहीं हूँ तुम्हारी मालकिन अब। ओके देखो अब हम इसे बिल्कुल फ्री घुमा रहे हैं, मसल भी हटा रखा है और रिलीज भी नहीं है। कमांड दो भैया से, नाले में मत जाना टाइसू। देखो कितना बराबर में चल रहा है। अच्छा भैया जर्मन शेफर्ड आ रहा है सामने से। तुम इधर आओ ना। नो Yeah.
ये देखो कहाँ कहाँ चले गए आज ये लोग। थक गए टाइसन, चले घर अब। हाँ मेरा है कुत्ता, मेरा है, लेकिन कमांड आपकी सुन रहा है क्योंकि सिखा आप रहे हो ना। तुम पाल रहे हो बचपन से? अरे तो हम लोगों ने उसे घर के अंदर ही रखा हमेशा, आपने उसे आजादी दी। देखो कैसे बैठा हुआ है भाई, अभी मैंने छोड़ा होता भाग गया होता ये भाई। अपने फ्रेंड से बात करे तब भी शांत बैठा है, पूछ ला रहा बस बैठ के। ये देखो अभी घर जाते वक्त टाइसन मेरे साथ जाएगा, भैया बाइक से जा रहे हैं और इसका मजल भी अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो सकूं इसको लेके। चले टाइसन, इसकी भैया की बाइक का क्या हाल किया टाइसन ने देखो। नो चलो, बहुत घूम लिया, आ जाओ। ठीक है भैया फिर पहुंचो आप। भैया हम फाइनली घर पहुंच गए हैं और देखो मेरे से पहले गेट पे जाके खड़ा हो गया। हाँ जी किधर लग गए प्यास अब? चलो अंदर चलो, अब पानी पीने इसको। इससे ज्यादा थकान तो मुझे हो गई भैया। थैंक यू थैंक यू। बस चलो रेस्ट करो। ये देखो अभी गेट खुला हुआ है, भैया मजा लेने गए थे, ये गया नहीं बाहर क्योंकि भैया से कमांड देखे गए थे स्टे। अब क्यों बैठ रहा है? हाँ मेरी बात तो नहीं मानता तू, मेरी बात तो नहीं मानता तू। चलो पहुंचा, जाओ पहुंचा, चलो पहुंचा, देखिए मुझे। बाय भैया। मेरी बाइक का हॉर्न का भी बताओ सर। सुन लेता है, उसको पता चल जाता है जब आप आते हो। बैठे बैठे इधर ही बैठे रहना, अब देखेगा जरूर ही ऊपर जाके, मुझे यकीन है इस बात का। देखो देखो चला गया भैया ऊपर। चले गए भैया, अब मैं भी जा रही हूँ काम करने, थोड़ी देर में तुम्हें खाना दूंगी, शोर मत करना ठीक है? ठीक है गंदू। तो भाई भैया भी चले गए हैं और अब मैं लगती हूँ काम पे क्योंकि आज मेरे पास में बहुत सारा काम है करने को। बाहर की भी धुलाई करनी है, टाइसन को भी नहलाना है, घर भी साफ करना है, फ्रिज भी साफ करना है। भाई अब मैं आपसे मिलूंगी काम खत्म होने के बाद। 2000 years later. भाई फाइनली घर का सारा काम हो गया है और मैंने नहा भी लिया है, अब इतना सुकून मिल रहा है ना यार। सुबह मैं सोची थी कैसे होगा इतना सारा काम, अंदर का बाहर का, टाइसन प्लस फ्रिज, लेकिन फाइनली हो ही गया। अब इतना अच्छा लग रहा है हर जगह सफाई, आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, लेकिन थकान तगड़ी हो गई है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर कैसा लग रहा है। दिस इज़ माई ब्यूटिफुल किचन और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ लगी है फ्रिज साफ करने में, जो कि अच्छे से हो गया है, मेरा बवाल भी ख़त्म। और इन डब्बों को साफ करने में भी बहुत मेहनत लगी थी भाई, ऊपर भी नीचे भी। ये मम्मा ना घर आके सबसे पहले यही देखते हैं। फिर बारी है इस रूम की, देखो यहाँ भी पूरा इसको उठा के झाड़ू पोछा किया मैंने आज। अकेले ना उठाने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए मुझे और टाइम लग गया इस रूम में भी, बट ठीक है हो गया। और यहाँ पे तो ज़्यादा मेहनत नहीं थी, बस टेबल साफ करना था, ये भी निपट गया। और ये है मम्मी वाला रूम, देखो ये भी चकाचक। और ये है बाथरूम, यहाँ भी मुझे मेहनत लगी भाई, पूरा धोया। And this is my room. ये है main bathroom. देखो मशीन में अभी तक कपड़े ऐसे हैं,
इन्हें धूप में भी डालना है भाई। ये देखो पूरा ऊपर तक फुल है, इन्हें भी खाली कर देती हूँ। पूरे बाहर की सफाई हो गई, देखो पूरी गैलरी धोई और स्कूटी भी धो दी मैंने दोबारा। देखो सबसे ज़्यादा मेहनत तो मुझे सीढ़ियाँ साफ करने में लगी, एक एक सीढ़ी बैठ के घिसी है तब जाके चमकी है सारी, देखो बाहर तक साफ हो गया। इनफैक्ट टाइसन को भी नहला दिया मैंने, दिखाती हूँ ऊपर बाधा है भाई अभी तो, यहाँ इस कोने में बैठा हुआ है। हाँ जी ठंडा लग रहा है क्या तुम्हें है? आज तो नहा के मजा आ गया टाइसन, धूप में बैठ, फिर छाँव में क्या बैठे, तेरा यहाँ बैठ। हाँ वही तो, धूप सेकनी चाहिए, छाँव में बैठा हुआ है, अब मिल रहा सुकून है। अब टाइसन को पानी भी दे देते हैं। लो पानी पियो पियो, पी ले बिट्टू पी ले मेरे चुनू। ये देखो मैं अब आई हूँ कपड़े उठाने, मौसम कितना प्यारा हो रहा है यार, धूप चली गई लेकिन हल्की सी लाइट है। देखो टाइशू इधर आ, और नहा रखा है ना इसलिए मस्त हो रखा है, बाहर देख रहा है। ये देखो दीदी अभी टाइसन को बिस्किट खिला रहे हैं, बाहर से आए ना ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए होता खाने के लिए। आराम से हाथ से खिलाना, हाँ उछालना नहीं। टाइसू ओए डरता है यार, काटा थोड़ी हो, चलो जाओ टाइसन ऊपर जाओ। आपसे पहले जो चला गया। चलो भाई बहुत शाम हो गई, अब टाइसन का बेड भी लगा देते हैं। माय गॉड कितने अंदर सुखाने डाला है मैंने ये, वाह 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 मेरा साफ और स्वच्छ घर। तो भाई टाइसन का बेड भी लगा दिया है, अब जाती हूँ उसे घुमाने के लिए। तो यार अभी मैं आई हूँ टाइसन को घुमाने और मेरे साथ में रघु भी आया, देखो रघु जुली दोनों आए हैं, टाइसन तो ये रहा, मस्त फ्री होके घूमता है यहाँ। आज़ादी किसे नहीं पसंद भाई। नो नो इधर, ये मेरा बॉडीगार्ड। खींच रहा है देखा, इसीलिए मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, बट अभी यहाँ कोई है नहीं ना, खाली ग्राउंड है तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। अरे टाइसन आज मौसम भी बढ़िया और खैर। तो भाई मैं टाइसन को घुमा फिर आके घर पहुँच गई हूँ और अब मैं करूँगी पूजा, फिर खाना बनाऊँगी हम दोनों के लिए, उसके बाद खाएंगे पियेंगे मस्त सो जाएंगे। भाई बहुत थकान हो गई आज तो, एक मिनट भी रेस्ट नहीं किया मैंने सुबह से। तो यार मेरा खाना तो हो गया है और टाइसन को दे रखा है, देखो अभी भी खा ही रहा है। पता है मुझे लगा मुझे खाना बनाना है लेकिन मैं भूल गई थी कि सुबह का ही खाना बचा हुआ था, तो मैंने दाल और रोटी खा ली और उसको राइस और दाल दे रखा है, अभी भी खा ही रहा है, देखो ख़त्म ही नहीं हुआ इतना सारा दिया था ना। तो इसके बाद अब चला गया देखो, तो अब हम दोनों ही सो जाएंगे और कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है क्योंकि कल मम्मी पापा घर पहुँच जाएंगे एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम। तो आज का ये व्लॉग एंड करें यहीं पे, आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
shine.